राघव चड्ढा पर अमित शाह का आरोप। अमित शाह ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। क्या दिल्ली सर्विस बिल पर बुरे फंसे राघव चड्ढा? और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया, मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। लोकसभा के बाद सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। काफी हो हंगामे और पक्ष विपक्ष के वार पलटवार के बाद आखिर दिल्ली की कमान केंद्र सरकार में आ ही गई। इन्हीं सब के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए हैं। अमित शाह ने राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि चड्ढा ने सदन में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से संसद में शाह न केवल भड़के बल्कि चड्ढा के खिलाफ जांच की मांग तक कर डाली। सुनते हैं अमित शाह की जुबानी। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया, मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता मान्यवर। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पने का नहीं है, ये सदन के लिए फर्जी पने का मामला है। ऐसा कैसे चलता है? दरअसल राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को पेश किए जाने के बाद एक प्रस्ताव सदन में रखा था। प्रस्ताव ये था कि दिल्ली सर्विस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। हालांकि उनका ये प्रस्ताव सदन में ही गिर गया। इसी को लेकर वो अमित शाह के निशाने पर आ गए। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें 5 सांसदों के नाम बिना सहमति के ही लिख दिए गए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री शाह ने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाए कि उन सांसदों के साइन किसने किए। अमित शाह ने तो इतना तक कह डाला कि 5 सांसदों ने सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर साइन करने की बात से साफ तौर से इनकार कर दिया है। ऐसे में शाह ने इस मामले में जांच की मांग कर डाली है। सवाल ये उठता है कि क्या राघव चड्ढा ने वाकई में ऐसा किया? क्या उन्होंने बिना पूछे सांसदों के नाम लिखे और उनके साइन तक भी कर दिए? हालांकि इस मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है और न ही राघव चड्ढा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिर भी जब ये मुद्दा उठा दिया गया है तो जांच होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जांच के बाद ही सच सामने आ सकेगा कि राघव चड्ढा पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से सही है या गलत। और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया, मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।